ड्रामा सीरियल बेरंग में एमल शहरयार को शादी से नहीं रोक सकी और फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। यूं एनी एमल के पास आती और पूछती, क्या शहरयार को मोहब्बत और वादे याद दिलाए? एमल कहती, मुझे कमरे में जाने का सिर्फ कह दिया और अब तक नहीं आया। आयमा से फुर्सत मिलेगी तो मेरे बारे में सोचेगा। एनी एमल से कहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम ही रोक सकती हो, शहरयार को मनाओ। एमल जवाब में कहती है, अब वो नहीं मानेगा। और यूं एमल बहुत उम्मीद हार जाती है और एनी इसकी हिम्मत बढ़ा देती है। रोने धोने से शहरयार इसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए खुदारा कुछ करो। एमल को इसके किए की सजा मिल रही है। एनी ने फिर भी एमल का साथ नहीं छोड़ा। शहरयार थोड़ा सोचने पर मजबूर होगा, मुझे मम्मी की धमकियों की वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयमा बहुत खुश है कि शहरयार अब मेरी बात मानने लग गया है और इसे रात फिर एमल के पास जाने से रोकती है। एमल के पास बहुत ऑप्शन है कि वो ये शादी रोक ले। ऐसा इसी सूरत मुमकिन है जब इन दोनों माँ बेटी की असलियत सबके सामने आ जाए। कोई इन्हें इस घर पर राज करने की बातें करते जरूर सुनेगा। अगर एमल बीमार हो गई तो फिर भी शहरयार के दिल में थोड़ा एहसास तो पैदा हो सकता है। आयमा अगर शहरयार से शादी कर भी लेगी तो बहुत जल्द इसे तलाक हो जाएगी और यूं इतनी देर एमल भी शहरयार को खुशी दे देगी। एमल अपनी सजा भुगत लेगी। आयमा और दुर्दाना इस घर से भी निकलेंगी। फाहरा ने जो एनी पर इल्जाम लगाए, जितनी भी साजिशें की, सजा तो मिलेगी और वो सजा फरी की सूरत में मिलेगी। जब फरी के चक्रों का सबको पता चलेगा, एंड में फाहरा रोते हुए एनी से माफी मांगेगी। एनी को अफान की मोहब्बत पर यकीन होगा। अब तो एमल ने भी कह दिया है, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें अफान मिला, एनी को इतना मुकाम मिला। बहुत जल्द ड्रामा एंड होने वाला है। किन किन को लगता है शहरयार आयमा से शादी नहीं कर पाएगा? एमल रोक लेगी? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।